हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, ये व्लॉग है कल शाम का, जो मैं आज शाम तक आप लोगों तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि मैं इसका एडिटिंग नहीं कर पाई थी, थोड़ा बिजी हो गई थी। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज मदर्स डे है, तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। मतलब दुनिया की हर माँ को, हर लेडीज़ को, जो माँ हैं, जो नहीं हैं, जो होने वाली हैं, सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम, सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। और मैं गाइस आप लोगों के थ्रू अपने माता के मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ, पहुँचाती हूँ। आज मैंने पोस्ट पर भी डाला है अपनी के लिए, क्योंकि सच बात है, अगर माँ नहीं तो फिर हम नहीं। मतलब फिर चाहे वो किसी भी रूप में कैसी भी माँ हो, बट माँ तो माँ ही होती है। तो आज मैं मदर्स डे के लिए, मम्मी, मैं आप लोगों को दिल से, मैं आपको और आप जैसी सारी माँओं को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप नहीं होती तो शायद हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। तो बस इसी शुभकामना के साथ मैं ये ब्लॉग आज का रेडी कर रही हूँ। तो ये है शाम का टाइम, बच्चे कुछ नाश्ता वगैरह मांग रहे थे, तो मुझे आज कुछ समझ नहीं आया, तो मैं यहाँ ब्रेड टोस्ट तैयार कर रही हूँ। ब्रेड टोस्ट में मैंने यहाँ मलाई, दूध की ताज़ी मलाई थी, तो उसे ही मैंने चीनी मिला के इसमें लगा दिया है। और फिर साथ में मैं यहाँ पे घी लगा कर ब्रेड को ऐसे एक एक करके सारा सेक ले रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था नाश्ता, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ गोरखपुर में थोड़ा सा मतलब लॉकडाउन थोड़ा टाइट चल रहा है, सारी चीज़ें आराम से नहीं मिल रही हैं, काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है यहाँ पे। तो इस वजह से सब कुछ सुविधा अनुसार तो नहीं हो रहा है, जो जैसे है वैसे ही काम चलाना पड़ रहा है। तो इधर मैं यहाँ बना ले रही हूँ, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बनाया है सत्तू, और सत्तू का शरबत यहाँ मैं बना रही थी, क्योंकि सत्तू थोड़ा खाने में और या पीने में बहुत ठंडा होता है। तो उसमें पहले मैं 4 से 5 चम्मच चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा मीठा बेस ही सामान ज़्यादा पसंद आता है। वैसे आप चाहें तो इसमें चीनी ऐड नहीं भी करिएगा। तो ये मेरा 1/2 किलो का एक सत्तू का पैकेट है, तो उसे ही मैं काट के यहाँ 2 से 2.5 कटोरी तक इसी जार में पलट लूँगी, निकाल लूँगी। और अब चूंकि मतलब 4 लोगों के लिए बनाना है, तो मैंने अपने अंदाज से बनाया है। आप चाहें तो आप अपने अंदाज से जैसे जितना पतला या गाढ़ा रखना चाहें तो खा ले सकते हैं। और सत्तू को शरबत बनाने के बजाय अगर इसका पेस्ट बना के खाना है, तो वो तो आम की खट्टी चटनी के साथ ही बहुत बेस्ट लगता है। बहुत लोग चीनी ऐड करते हैं, कुछ लोग चीनी नहीं यूज करते हैं, तो जो लोग नहीं यूज करते हैं तो वो चीनी अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ सत्तू और चीनी मैंने डाल दिया है, अब मैं यहाँ साथ में डालूँगी 2.5 से 3 गिलास पानी। और पानी डालने के बाद हम इसमें बाकी सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। अब चूंकि गर्मी है, तो गर्मी के हिसाब से हमें इसे बनाना है, तो इसलिए इसमें मैं यहाँ ऐड करूँगी काला नमक, चाट मसाला, पुदीना और नींबू और सादा नमक, इन सारी चीज़ों को ऐड करूँगी। बहुत लोग तो इसमें बहुत बारीक चॉप किया हुआ प्याज भी चॉप करके इसमें डाल देते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि गर्मी में इसमें सत्तू के शरबत में बहुत बारीक चॉप किया हुआ प्याज भी अच्छा लगता है। तो ये कुछ पुदीने की पत्तियां हैं, उन पत्तियों को मैं हाथ से ही ऐसे रफली मैश कर लूँगी। इसे ना तो मैंने पीसा है और ना ही चक्कू से काटा है, क्योंकि ऐसे हाथ से मैश करके डालने पर इसका टेस्ट कुछ अच्छा ही निखर के आता है। तो मैं इसी मथानी से फिर इसे ऐसे चला लूँगी जैसे मैंने छाछ बनाया था। मैं चाहती तो इसे मिक्सी में भी बना सकती थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऐसे करने से इसका स्वाद थोड़ा अलग टाइप का आता है। आप भी इसे ट्राई करके देखिएगा, मिक्सी में और ऐसे बनाने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो मैं यहाँ चेक कर रही थी कि चीनी और नमक खूब अच्छे से मिल जाए, जो कि नीचे ना बैठा हो। अब यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है, इसलिए चीनी और नमक मिल गया। और यहाँ फिर ऐड किया मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, और साथ में ऐड कर दूँगी नींबू। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब एक बार फिर से इसको खूब अच्छे से मथ लेंगे। मथने से ये होगा कि जो लम्स पड़ जाते हैं सत्तू में, सत्तू एक्चुअली में आटे जैसे फॉर्म में होता है ना, तो बहुत जल्दी इसमें लम्स पड़ जाते हैं, तो वो लम्स इसमें नहीं पड़ेगा। तो ऐसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ लास्ट में ऐड करेंगे बर्फ़। बर्फ़ आप जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो यहाँ मैंने थोड़ा नमक और ऐड कर दिया है, और साथ में यहाँ लास्ट में ऐड कर दूँगी बर्फ़। अब रूम टेम्परेचर पर पानी है, इसलिए बर्फ़ भी बहुत जल्दी इसमें घुल जाता है।
और जब बर्फ़ घोल डालने के बाद एक बार हम फिर से इसे चला लेंगे। इसे थोड़ा सा हर सारे सामान को डालने के बाद, जितनी बार हम सामान डालते हैं इसमें सारे मसाले वगैरह, उतनी बार इसे हमें फेंटना पड़ता है। फेंटने से ये खूब अच्छा अच्छे से घुल जाता है, सत्तू में सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाती है। तो ये देखिए चीनी और नमक खूब अच्छे से घुल गया है, बिल्कुल इसमें मेल्ट हो गया है। तो चलिए फिर लेट नहीं करती हूँ, मेरा ब्रेड सैंडविच भी रेडी है और सत्तू का शरबत भी रेडी है। तो सत्तू के शरबत को इस प्रोसेस से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी तो गाइस बताइएगा मुझे ज़रूर। तो ये मेरा कल शाम का नाश्ता था, मेरा शाम का नाश्ता बिल्कुल रेडी है। शाम का नाश्ता आज मैं आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो मैं क्या कहूं कि आप लोग आइएगा, जब भी आप लोग आइए आप लोगों के मैं फिर से बनाती हूं। और फिलहाल तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए, ट्राई करके चेक कीजिए, अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा गाइस। तो लास्ट में हम गार्निशिंग के लिए एक एक मिनट लेव यहाँ रख देंगे, और चार आखिरी में ऐड करेंगे यहाँ पे चाट मसाला। हम थोड़ा सा इसलिए ऐड करेंगे कि थोड़ा स्पाइस हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये ना मीठे में है ना नमकीन में, मीठा नमकीन मिला जुला के है, और ये आई थिंक सभी को पसंद आता है। तो आप लोग भी मतलब ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ गाइस फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना अपना आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल, आप सभी को हमारे हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। तब तक के लिए बाय, इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा। मैं आप लोगों का वेट करूंगी। बाय बाय।